धनबाद नगर निगम की अनोखी पहल, बेकार टायर से बना डाला विशालकाय हाथी, पानी बॉटलों के ढक्कन से बने झारखंड का प्रतीक चिन्ह, 100 पीस कर रहे लोगों को आकर्षित, 7 से 8 हज़ार का डस्टबिन मिल रहा है 1200 से 1500 रुपये में। धनबाद का नगर निगम इन दिनों एक अनोखी पहल कर रहा है। शहर एवं गली मोहल्लों में फेंके गए वैसे कबाड़ जिसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, उसकी आकृति का निर्माण कराकर उसे आकर्षण का केंद्र बना रहा है, जिसकी इलाके में काफ़ी प्रशंसा हो रही है। यह है LC रोड स्थित धनबाद नगर निगम का कार्यालय। मुख्य बिल्डिंग में प्रवेश करते ही सबसे पहले आपकी नज़र धनबाद नगर निगम के लोगों के साथ एक बड़ी सी फ़ोटो फ्रेम दिखेगा। गौर से देखने पर पता चलेगा कि ये प्लास्टिक बोतलों के बेकार पड़े ढक्कनों से बना हुआ है। यही नहीं, कार्यालय के गेट पर आपको गाय, बकरी और बतख भी देखने को मिलेंगे, जिसे लोहे के फ्रेम में प्लास्टिक बोतलों के ढक्कनों से तैयार कर सोपिश के रूप में सजा दिया गया है। अब हम आपको दिखाते हैं निगम बिल्डिंग में आयुक्त कार्यालय के बाहर रखा एक डस्टबिन। इस डस्टबिन को बेकार गाड़ियों के टायर, प्लास्टिक के बोतल और डब्बा से तैयार किया गया है। यही नहीं, आयुक्त के कार्यालय में प्लास्टिक बोतलों के ढक्कन से ही तैयार किया गया है झारखंड का प्रतीक चिन्ह भी आपको दिख जाएगा। अब हम आपको निगम कार्यालय के बाहर LC रोड का नज़ारा दिखाते हैं। निगम कार्यालय से थोड़ी दूर पर कला भवन के बाहर खड़े एक विशालकाय गजराज आपको दूर से ही दिख जाएंगे। उसके करीब जाने पर आपको पता चलेगा कि उक्त 12 फीट विशालकाय हाथी मोटरसाइकिल एवं साइकिल के बेकार टायर ट्यूब से आकर्षक तरीके से बनाया गया है। निगम के इस कबाड़ से जुगाड़ पद्धति से तैयार कराए गए इस हाथी को देखने बरबस लोग रुक जाते हैं। लोगों की माने तो निगम का यह प्रयास काफ़ी सराहनीय है और इससे एक और जहां हम अपने घर के आसपास वैसे कचरों का अंबार का सदुपयोग करते हुए उसे एक आकर्षक आकार दे सकते हैं, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र भी बन रहा है। वहीं संदर्भ में नगर आयुक्त ने बताया कि कबाड़ से जुगाड़ के तहत वैसे बेकार चीज़ें जिनका निस्तारण करना असंभव है, उसे एक आकृति में ढालकर लोगों के आकर्षण का केंद्र बनाया जा रहा है। ये शहर को ना सिर्फ स्वच्छ रखने में सहायक साबित हो रहा है, बल्कि शहर के सुंदर भी बनाने का काम कर रहा है। नगर आयुक्त ने बताया कि इतना ही नहीं, निगम के पहल के बाद आम जनता भी इस ओर आगे बढ़ रही है। इसके तहत किसी ने बेकार टायर से आकर्षक डस्टबिन बनाकर उपलब्ध कराया है। इससे 3 फायदे हो रहे हैं। एक तो लोगों को रोजगार मिलेगा, दूसरा इधर उधर फेंके गए कचड़ों का बेहतर निष्पादन संभव हो जाएगा। तो बहुत सा कबाड़ इकट्ठा होते रहते हैं, गाड़ियां ज्यादा है या अन्य भी साधन से, तो हम लोगों ने लोगों को जागृत करने के लिए कि उन सामानों से भी हम लोग कुछ प्रयोग कर सकते हैं, उसे मूर्तियां बना सकते हैं, उसे हम डस्टबिन भी बनवा रहे हैं उन चीजों से, तो लोग अपने यहाँ भी उस चीज का यूज कर सकते हैं। बहुत सी गाड़ी खराब हो गई, फेंक देता है, टायर रोड पर फेंक दिया, जला रहा है, पॉल्यूशन होता है, उससे अगर एक डस्टबिन बना के घर के पास रख देगा तो खूबसूरती भी बढ़ जाती है। तो ये सब लोगों को अपने शहर के प्रति सफाई या अन्य कार्य को जागरूक करने के लिए बनाएगा। हम लोग हर जितने जंक्शन हैं शहर के, उसको हम लोग सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। जितने जंक्शन हैं, जंक्शन का मतलब हुआ कि हमारा जो हर जगह से जो रोड आके मिलता है, वहाँ कुछ ना कुछ स्पेस रहता है। जैसे हमारा श्रमिक चौक हो गया या अन्य चौक हो गया, तो वहाँ पर कुछ स्पेस जगह रहता है, तो हम लोग वहाँ ग्रीन पैच और इस तरह के चीज़ों को लोगों को बनाएंगे। बहरहाल धनबाद नगर निगम की ये पहल निश्चित रूप से सराहनीय है। साथ ही अब जागरूक होने की बारी हमारी है, जिसके माध्यम से हम नष्ट नहीं होने वाले कबाड़ों को आकर्षक रूप देकर ना सिर्फ अपनी आय का जरिया बना सकते हैं, बल्कि इससे फैलने वाले प्रदूषणों पर भी अंकुश लगाने का सहायक बन सकते हैं। देखिए, मुझे आज पहली बार ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि नगर निगम कुछ अच्छे इनोवेशन में भी लगा हुआ है। जैसे कि ये कबाड़ से टायर से इन्होंने हाथी बनाया है, सही में बहुत ही सराहनीय है ये। इससे क्या होता है, जगह का भी सदुपयोग हो रहा है और जो वेस्ट है, जो कचरा है, उसका भी सदुपयोग हो रहा है। मैं तो कहूंगा कि लोगों के लिए ये अनुसरण की बात है। सारे लोग जो धनबाद की जनता जो भी कचरा वगैरह फेंकती है, वो सब कचरे का कैसे इस्तेमाल हो सकता बढ़िया से, ये सब देख के वो
अपने आप को इसको आजमा ले, तो मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो मैं क्या कहूँ आपके लिए, फिर से ये कहना चाहूंगा नगर निगम को धन्यवाद। पहली बार बहुत खुशी हो रही है कि नगर निगम सफाई भले ही ना कराए लेकिन कचरे का इस्तेमाल सही तरीके से कर रही है।